जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की अगर हम बात करें, उनकी संख्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आ रही है, और उसी के चलते जो है इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जो हमारे करनाल के व्यापारी हैं वो यहां पर आज पहुंचे हैं डीसी साहब से मिलने के लिए। हम लोग आपको बता दें, आज की अगर हम बात करें, टोटल 65 केसेस जो है कोरोना के आज पॉजिटिव आए हैं, और वही 24 घंटे पहले ही 2 लोगों की जो है कोरोना की वजह से डेथ हुई है। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि रिकवरी रेट अच्छा नहीं है, क्योंकि हरियाणा की अगर हम बात करें, करनाल की अगर हम बात करें, कई ऐसे बड़े बुजुर्गों ने यह भी एग्जाम्पल सेट किया है कि बाकी बीमारियां होने के बावजूद जो है वे ठीक होकर अपने घर गए हैं, लेकिन महामारी का खतरा जो है वो अभी तक टला नहीं है। लेकिन मार्केट्स में जिस तरीके से लोगों की संख्या देखी जाती है, रश देखा जाता है, उसे देखकर किसी भी तरीके से ये नहीं लगता कि लोगों के मन में कोई भी डर जो है इस महामारी को लेकर रह गया है। और इसी मामले को गंभीरता से लेते हुए जो है सभी लोग आज यहाँ पर पहुंचे हैं, जो व्यापारी हैं वो पहुंचे हैं डीसी साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए कि जो मार्केट का टाइम है वो दोबारा से जो है कम होना चाहिए। तो पहले हम लोग इन्हीं में से कुछ लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, अपना नाम, कहां से आप आए हैं, और क्या कुछ आप जो है आज डीसी साहब को ज्ञापन किस मामले में? मेरा नाम अंशुल बंसल है, मैं ज्वेलरी एसोसिएशन से बिलोंग करता हूं करनाल से। और अभी हमने 10-12 दिन पहले एक व्यापार संयुक्त व्यापार संघ करनाल की स्थापना की, क्योंकि अब से पहले जो भी व्यापार संघ करनाल में काम कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम कर रहे हैं, उनको राय दे रहे हैं समय बढ़ाने की घटाने की, उनकी ग्राउंड रियलिटी वर्क कुछ भी नहीं है। उनके साथ कोई व्यापारी कोई एसोसिएशन के आदमी नहीं जुड़े हुए। तो हमने एक नया संयुक्त व्यापार संघ ये बनाया है, इसके अंदर हमारे साथ सभी एसोसिएशन के लोग हैं, टिम्बर के, स्टेशनरी के, और कपड़े उद्योग से संबंधित सभी एसोसिएशन के जितनी मैक्सिमम जोड़ सकते थे। सबसे हमने टेलीफोनिकली एक मीटिंग कॉल की और एक सलाह ली कि हमें क्या करना चाहिए। तो मीनवाइल संडे को हमारे यहाँ 2 कैजुअल्टीज करनाल सराहोजार में हुई हैं, दोनों के दोनों। एक हमारे भारत बुक डिपो वाले, उनकी मदर एक्सपायर हुई, जो 6 घंटे में एक्सपायर हो गए डायग्नोज होने के, और एक हमारे टोनी अग्रवाल जी थे, वो 15 दिन से थे, लेकिन वो संडे को वो भी एक्सपायर हो गए। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि बाज़ार के अंदर नॉन एसेंशियल आइटम्स के लिए हम प्रशासन से गुहार करने आए हैं कि समय जो है, हमने इसमें लिखा 9 से 5 है, अगर प्रशासन 9 से 3 भी करना चाहेगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि व्यापारी का काम तो चल ही रहा है। बाज़ार के अंदर रश इतना ज़्यादा है कि एक आइटम को परचेज़ करने के लिए 4-4 लोग आ रहे हैं, और जो लोग प्रशासन को फीडबैक दे रहे हैं, कल हम सीएम साहब से मिले थे, सीएम साहब के पास डीसी साहब बैठे थे, उन्होंने बड़ी अजीब सी बात कही कि हमने इनको कहा, हमारे पदाधिकारी कुछ लोग वहाँ गए, तो उन्होंने सीएम साहब ने 2 आदमी को बुलाया, उन्होंने पूछा भी क्या परेशानी क्या है, हमारे पद जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि हम समय जो है ये चेंज होना चाहिए, समय गलत है। तो डीसी साहब ने एक बात कही कि जी आप तो समय कम करने के लिए कह रहे हैं, और आप ही के जो करनाल व्यापार संघ के और व्यापारी संगठन जो पॉलिटिकल बने हुए हैं, क्योंकि हमें भी याद है जब पहले समय 3 बजे तक का 2 बजे तक का होता था, तो कई व्यापारी जो है पहुंचे थे कि आप 2 व्हीलर्स की एंट्री करवाएं और दुकानों को खुलवाएं, ऑड इवन हटवाएं, तो वो कहीं ना कहीं पहले खुद अगर इस तरीके से व्यापारी यहाँ पर पहुंचते हैं, और उसके बाद अब आप लोग सभी जो है इस महामारी को समझते हुए, इसकी गंभीरता को समझते हुए पहुंचे हैं, तो क्या कुछ एक और अपील करना चाहेंगे? मेरी अपील यही है, जो भी व्यापारिक संगठन, हमारे अलावा हम लोग सब व्यापारी अब इकट्ठे हो चुके हैं, हमारा संगठन बन चुका है, जिसका टेम्प्रेरी प्रेजिडेंट भी मैं फिलहाल एक फाउंडर हूँ, और मेरा तो सिर्फ उद्देश्य सबको इकट्ठा करना था। तो हमारे श्याम कपूर जी हैं, ये करण गेट के हैं, और बाकी लोग भी हैं जो लोग नहीं आ पाए। मेरा से उन दोनों 2-3 संगठन जो राजनीतिक बने हुए हैं उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे बिहाफ पर एडमिनिस्ट्रेशन से ना तो कोई मीटिंग करें, और ना एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुहार है, हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे अलावा किसी और की सुनवाई ना करें, क्योंकि हम लोग व्यापारी हैं, हम बाज़ार में हम बैठे हैं, जो लोग मीटिंग कर रहे हैं ना तो उनकी बाज़ार में दुकान है, ना उनका मकान है, ना उनका कोई ट्रेड है बाज़ार में। तो बड़ी अचंभे की बात है, हम लोग तो जागरूक इस बात के लिए नहीं थे, क्योंकि व्यापारी तो व्यापार से काम रखता है और अपने धंधे से काम रखता है, बेकार की राजनीति कर रहे हैं लोग, उसमें नुकसान प्रशासन को होगा, बदनामी सरकार की होगी। जब हम लोग 2 महीने घर बैठ सकते हैं, हम 2 महीने के लिए टाइम चेंज करके और भी काम कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। तो मेरी रिक्वेस्ट बस प्रशासन से, और जो लोग तथाकथित लोग राजनीति खेल रहे हैं इस काम पर, उनसे रिक्वेस्ट है ये कि ये जान का मामला है, सबके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, वो लोग क्या क्या चले जाते हैं जी, संडे को भी बाज़ार खोल लो, राखी से पहले संडे को बाज़ार खोल दिया, त्यौहार तो तब बनेंगे जब घर में बड़े बुजुर्ग और बच्चे स्वस्थ होंगे। अगर बीमारी किसी घर में चलेगी, सपोज आप यंग हैं, मैं भी यंग हूँ, अगर ये बीमारी ट्रैवल करके किसी सीनियर सिटीजन को लग गई, उसका रिकवर होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ इस काम में उन लोगों से रिक्वेस्ट है, राजनीति बेकार की ना करें। मैं हाथ जोड़ के प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, उन लोगों से भी, मेरे सीनियर हैं, आदरणीय हैं, लेकिन इस कोविड के बाद इस प्रशासन जो भी राजनीति कर ली, इसके बाद कर लें,
हमारे बिहाफ पे कोई मीटिंग प्रशासन से ना करे। धन्यवाद सर। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कई डिस्ट्रिक्ट ऐसी भी हैं जहां पर सैटरडे को भी जो है मार्केट बंद कर दी गई है ताकि कोविड के चलते जो है सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके, तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं यहाँ पर भी इस तरीके का जो है कुछ लेकर आना चाहिए ऐसी कोई। देखो, मेरा नाम श्यामलाल कपूर है, मैं करंगेट दानवीर का प्रधान हूँ। मैं यही विनती चाहता हूँ कि मैं अंशुल जी के साथ सहमत हूँ कि क्योंकि इस टाइम जो पोजीशन हो रही है, जो हमारे इकाई के या व्यापार मंडल संघ के श्री बांबा जी जो चेयरमैन हैं व्यापार मंडल के बने हुए, उन दोनों की करण गेट पे या साफा बाजार में या नेहरू प्लस में कहीं भी कोई ऐसी दुकान रिटेल की नहीं है जिससे वो गाहक को अटेंड करते हों। संघ के बड़े हमारे व्यापारी जूर हैं, वो हम उनके साथ हैं, लेकिन वो हमारा भी तो सोचें, क्योंकि मार्केट में 2 बजे के बाद कोई भी गाहक नहीं होता। हम 8 बजे तक बैठते हैं तो 6 घंटे बेकार बैठते हैं। हम कभी पंछी साहब की दुकान पर बैठते हैं या कभी माया ज्वेलर पर जा बैठते हैं या किसी और के पास जा बैठते हैं, तो उनको तो नहीं पता होता ना कि हमें कोविड में या क्या है। तो इसलिए हम ये विनती चाहते हैं कि कृपा करके, मैं दानवीर प्रधान श्याम कपूर ये विनती करता हूँ प्रशासन से कि कृपा करके जो भी वो अच्छा समझें इस टाइम को चेंज करें, हम उनके साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर संयुक्त व्यापार मंडल के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर जो है आज पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरें आप लोग करनाल के जिला सचिवालय के बाहर से देख रहे हैं। कुछ और मेंबर्स से हम लोग बातचीत करना चाहेंगे और आप लोगों से अपील यही करना चाहेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। टाइमिंग्स को लेकर जो है ये लोग आज यहाँ पर पहुंचे हैं डीसी साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए कि दुकानों के टाइम जो है वो दोबारा से कम होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अगर कोई भी व्यक्ति, क्योंकि अनलॉक की अगर हम बात करें, अनलॉक किया गया था लोगों की सहूलियत के लिए ताकि लोगों को कुछ जरूरी कार्य है तो वो लोग मार्केट में जाकर वो कार्य कर अपने घरों में वापस आ सकें। लेकिन मार्केट्स में रश जिस तरीके से देखने को मिलता है, महिलाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सभी जो है मार्केट्स में निकल रहे हैं, जहां शुरुआत से ही प्रशासन हो, सरकार हो, डॉक्टर्स हो, वो जो है लोगों से अपील करते हुए नजर आए कि आप लोग जितना हो सके अपने घरों में रहिए। लेकिन उसके बावजूद अभी भी जो है उसी तरीके से लोग मार्केट्स में निकल रहे हैं। और जैसा कि हमें यहां पर अभी जो व्यापारी मौजूद है उन्होंने भी बताया कि अगर दुकानों की हम बात करें तो 2 या 3 बजे कभी समय अगर होता है तो भी इन्हें किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने कोई जरूरी सामान लेना है तो वो उस समय में आकर भी जो है ले सकते हैं। कुछ और व्यापारियों से हम लोग बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस मुद्दे पर जो है आप लोग आज यहाँ पर पहुंचे हैं और क्या कुछ ज्ञापन जो है आप लोग? अवधेश बंसल, जीसी ज्वेलर्स करनाल से। मैं अंशुल जी की बात और प्रधान जी श्याम कपूर जी की बात से बड़े सहमत हूँ। बाजार में डर खत्म सा होता जा रहा है, बाजार में हर सामान उसको एक चाहिए, चार इंसान आते हैं, चार कस्टमर आते हैं और वो बेकार की बातें ज़्यादा होती हैं, व्यापार कम होता है। डर खत्म होता है इसलिए जा रहा है क्योंकि पहले जब हम जो है टाइम 8 बजे तक का है, कोई 9 बजे तक दुकान खोल के रखता है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब हम ये लिमिट अगर तय कर देते हैं तो बाजार में एक डर थोड़ा सा बन जाएगा जिसमें सब लोग एहतियात से चलेंगे। पहले जब हमने लॉकडाउन था, हम पूरा घरों में अपने बिल्कुल बंद थे, कोई काम नहीं हो रहा था। अब बाजार खुला है, पहले 3 बजे तक का हुआ, फिर 6 बजे तक का हुआ, अब 8 बजे तक का हो गया। जैसे कि पूरे हरियाणा प्रदेश में अब मुझे मालूम चला है कि 1-2 शहरों में अभी पूरा लॉकडाउन हुआ भी है, प्रॉपर दोबारा हो गया है। कई शहरों में शनिवार तक का हुआ है। तो मैं भी प्रशासन से ये अपील करता हूँ कि इसको टाइम को थोड़ा सा बाउंड करे, चाहे 5 बजे तक का करे, चाहे 6 बजे तक का करे, ताकि सबके अंदर एक एहतियात बरतें, सब अपने परिवार के प्रति ध्यान दें। और यही मेरी सबसे प्रार्थना है। तो आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, संयुक्त व्यापार संघ के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर आज पहुँचे। हम लोग एक बार आपको बताना चाहेंगे, चाहे वो स्वर्णकार संघ जिला करनाल हो, चाहे सराफा एसोसिएशन हो, चाहे सर्वकारण संघ करनाल हो, करण गेट शॉपकीपर एसोसिएशन हो, चौड़ा बाजार वेलफेयर एसोसिएशन हो, करण गेट वेलफेयर एसोसिएशन हो, सभी के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर आज पहुँचे हैं टाइमिंग्स को लेकर, ताकि टाइमिंग्स जो है दोबारा से कम की जाए, ताकि ये जो महामारी जो है फैली जा रही है, क्योंकि लोगों में डर कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आ रहा है जिस तरीके से मार्केट्स में रश देखने को मिल रहा है, तो उसको जो है गंभीरता से लेने के लिए जो है मार्केट्स का टाइम दोबारा से कम होना चाहिए। आज भी करनाल में टोटल जो है 65 केसेस कोरोना पॉजिटिव आए हैं, पिछले 24 घंटों में 2 लोगों की मौत हुई है, 17 जो है टोटल अभी तक मौतें करनाल में हो चुकी हैं, और एक्टिव नंबर ऑफ केसेस हो या टोटल नंबर ऑफ केसेस हो वो किस कदर बढ़ रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं इस बात पर ध्यान देना प्रशासन के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। कुछ और मेंबर्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे आज आप यहाँ पर पहुंचे हैं? ऐसे है, मैं कुलियश मक्कड़, प्रेसिडेंट सराफा एसोसिएशन करनाल, चेयरमैन करण गेट। तो जो आप समझ रहे, कल हम डीसी साहब को मिले थे वहाँ पे रेस्ट हाउस में जाके, उन्होंने हमें टाइम दिया यहाँ आने के लिए और हम यहाँ पहुँचे हैं।
जो करनाल में कोरोना का सिस्टम चल रहा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हमारे सराफा बाज़ार के अंदर हमारे भाइयों की, दो भाइयों की, एक की तो मदर की डेथ हो गई है और एक जूलर्स की डेथ हो गई है, जिससे कि और हमारे पांच चार भाई ऐसे हैं जिसको कोरोना के अंदर इस टाइम फंसे हुए हैं करण गेट के ऊपर, और दयाल क्लाउथ हाउस पे हैं हमारे भाई, उनको भी थोड़ी प्रॉब्लम है, और इसी तरह इतनी प्रॉब्लम है कि इसके साथ निपटना हमें बहुत ज़रूरी हो गया है। और मैं प्रशासन से ये कहूँगा, आदरणीय DC साहब से और अपने अपने चीफ मिनिस्टर साहब से, क्योंकि कल हम वहाँ जाके मिले थे उनको, उन्होंने हमें यहाँ आने का आज टाइम दिया था, तो हम यहाँ आए हैं और हम ये चाहते हैं कि वो हमें हमारी बातों को सुने, और उन्होंने सुनने के लिए ही हमें यहाँ बुलाया है, जिससे कि हमारा जो व्यापार है वो ठीक चल सके और इस टाइम को वो कम कर दें, 6 बजे तक कर दें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर 10 से 6 करें, ताकि सुबह इसके अंदर जो 8-9 घंटे का टाइम है वो पीरियड मिल जाता है, जिससे कि कोरोना का जो चक्कर है वो कम हो जाता है। ये हमारा प्रशासन को और उनको दरख्वास्त है, और उनको ये हमारी बात माननी चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग इस महामारी से बच सकें। धन्यवाद। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं रवि चौधरी, प्रधान करणगेट शॉपकीपर एसोसिएशन। सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि जो संडे को 2 डेथ हुई हैं व्यापारियों की, तो उसके बारे में कहना चाहते हैं कि मतलब कोरोना की वजह से सारा काम हो रहा है ये, तो बाज़ार के अंदर बहुत भीड़ भाड़ रहती है। इस समय इतनी भीड़ है कि एक कस्टमर ने सामान लेना होता है तो उसके साथ कई लोग होते हैं, और बिना मतलब के कई कस्टमर घूमते हैं, लोग घूमते हैं बाज़ारों में, तो भीड़ बहुत है। कुछ प्रशासन की तरफ से ये भी चाहिए, करण गेट में जो है पुलिस वाले हैं, कुछ थोड़ा सा उनको भी चाहिए कि थोड़ी रोकथाम के लिए उनका इंतज़ाम करें। ई रिक्शा अंदर घूमती रहती हैं कई बार मतलब, और पुलिस वाले रोकते नहीं हैं, उनको थोड़ा रोकना भी चाहिए। और बाकी मेन तो यही है कि टाइम के लिए कह रहे हैं कि भाई थोड़ा टाइम चेंज होना चाहिए, टाइम जो है सुबह 9 बजे से लेके और 5 बजे तक हो जाए बहुत बेस्ट है, 6 बजे तक कर दें, 5-6 बजे तक कर दें बहुत बेस्ट रहेगा। सर, मार्केट में जिस तरीके से रश देखने को मिल रहा है, लग नहीं रहा कि कोरोना का कोई भी डर रह गया है लोगों के मन में? लोगों को कोई डर नहीं है इस समय, लोग मतलब जो है बिना डर के ही मार्केट में घूम रहे हैं, और उस वजह से ये रश जो है रश ही है बस बहुत ज़्यादा। बाकी दुकानें जो हैं दुकानें खाली हैं, घूमने वाले ज़्यादा हैं, दुकानों पर रश नहीं है, मतलब व्यापारी जो हैं खाली बैठे हैं, बस यही कहना चाहते हैं बस। तो आप एक बार फिर से हम लोग सर से बातचीत करना चाहेंगे। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसमें अभी हमारे पास टेलीफोन कैपेबल्स भी कुछ एसोसिएशन के आए हैं, जो लोग टेलीफोन से जब मीटिंग नहीं आ पाए, उसमें एक तो है हमारे पास बर्तन एसोसिएशन का, और एक ये अपना नहीं बुक सेलर्स का, और एक टिम्बर का, उनके भी अप्रूवल हमारे पास आ गए ऑन व्हाट्सएप कि हम दे आर रेडी विद अस। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि प्रशासन जो भी सुनवाई हो, हमारे जो बियर इस टीम में मेंबर कुछ बना दे कि आगे के लिए भी प्रशासन को कोई राय लेनी है, कोई फीडबैक बाजार से लेना है, तो हम लोग दे सकें संयुक्त व्यापार संघ के माध्यम से। उसके डिटेल्स और नंबर्स हमने सब डाल दिए हैं उस पर, उनको दे देंगे। थैंक यू। तो ये आप दे सकते थे, संयुक्त व्यापार संघ के जो मेंबर्स हैं वो हमारे साथ यहाँ पर आज जिला सचिवालय में मौजूद थे, और जैसा कि उन्होंने बताया कि जो मेन मुद्दा उनका आज यहाँ पर पहुँचने का था वो था मार्केट की टाइमिंग्स जो है दोबारा से कम होने की, जहाँ शुरुआत से ही करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम सभी अपने व्यूअर्स से एक अपील करती हुई नजर आई है कि आप लोग अगर घरों से बाहर निकलते हैं तो ज़रूरी कार्य होने पर ही निकलिए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, कई केसेस ऐसे भी सामने आए हैं जिसमें लोगों को कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं, लोग सरेआम मार्केट में घूम रहे होते हैं, वो किसी भी ऐसी जगह पर अगर छू देते हैं जहाँ पर किसी और का हाथ अगर लग जाए तो उससे भी संक्रमण फैलने का खतरा जो है हो सकता है। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इस तरीके से ये चेन बढ़ती गई तो ये किस हद तक जा सकती है, तो अभी भी हमें जो है काफी गंभीरता से इस मुद्दे को लेने की जरूरत है। और इसी के बारे में सोचते हुए जो है ये सभी व्यापारी आज यहाँ पर पहुंचे थे मार्केट की टाइमिंग्स दोबारा से कम करने की अपील करने के लिए। तो हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी, इनका जो मैसेज है वो अधिकारियों तक पहुंच सके, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जल्द से जल्द जो है जो भी सही डिसीजन हो वो प्रशासन द्वारा लिया जा सके। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।